हाय गाइस, मैं हूं सफी खान और आप देख रहे हैं इस वक्त मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूं। आज जो आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूं वो इन्फिनिक्स नॉट 13 5G की बात करूंगा, जो कि काफ़ी तेज़ी से जो उनसे ने इसके कमेंट भी आ रहे थे। तो ये इन्फिनिक्स नॉट 13 की लॉन्च की भी बात करूंगा कि किस टाइम तक लॉन्च हो जाएगा और क्या स्पेसिफिकेशन है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले डिस्प्ले साइज़ की बात करेंगे। तो यहाँ पे जो हमें डिस्प्ले साइज़ देखने को मिलता है वो 6.7 इंच का, यानी यह जोनसेन हमें डिस्प्ले साइज़ देखने को मिलता है। तो इसके साथ हम गाइस बात कर लेते हैं कैमरे की। जो कैमरे की लुक की बात करूँ तो भी काफ़ी डेफिनेटली है। इसके साथ 15 मेगापिक्सल जोनसेन हमें कैमरे की जोनसेन लुक बताई दे रही है कि यहाँ पर जोनसेन 15 मेगापिक्सल कैमरे की जोनसेन लॉन्च के साथ ये होगा। तो इसके साथ जो हम बात करने वाले हैं वो एंड्रॉयड वर्जन की बात करेंगे। तो यानी जो एंड्रॉयड वर्जन है वो 12 के साथ ही लॉन्च हो रही है, यानी अगर इससे पहले जाएं तो इन्फिनिक्स के जितने भी मॉडल है वो एंड्रॉयड 11 के साथ है। तो ये एंड्रॉयड 12 के साथ होगा और अगर आप अपडेट करेंगे तो ये 12.1 यहाँ तक भी जा सकता है, 13 तक भी जा सकता है। तो इसके साथ हम जो है ना इसकी चार्जर की बात करें तो ये कौन से चार्जर के साथ आ रहा है, ये 120 वाट का चार्जर इसके साथ है। 15 मिनट्स यानी 45 मिनट्स में जो है ना आपकी जो सी बैटरी है वो फुल चार्ज करेगा। तो इसके साथ अगर हम केबल की बात करें तो वो सी टाइप में ये आ रहा है। तो डिस्प्ले जो साइज़ है वो साइड पे फिंगरप्रिंट यहाँ पे हमें देखने को मिलता है और एक बैग पे प्लास्टिक वाली बैग देखने को मिलती है। तो यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे जो डुअल सिम है उसके साथ ये फ़ोन है। फ्रंट में जो है इसका दरमियान में कैमरा इस वक्त मौजूद है, साइड फिंगरप्रिंट के साथ है। काफ़ी बेस्ट फ़ोन है, 6 GB RAM 128 GB मेमोरी के साथ है। तो काफ़ी बेस्ट फ़ोन है। अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो ये 32,000 यानी 31,999 रुपीज़ का ये कंपनी के रेट के साथ ये मौजूद है। अगर हम इस पर बात कर लेते हैं कि ये किस टाइम तक लॉन्च होगा तो ये 2 अप्रैल 2023 यानी 2023 अप्रैल के महीने में ये फ़ोन लॉन्च हो जाएगा। तो इसके साथ अगर हम बात कर लेते हैं रेजोल्यूशन की तो ये काफ़ी बेस्ट फ़ोन है, 5000 mAh बैटरी के साथ है। तो सनलाइट में भी आप जुनसैन इस पर काफ़ी जुनसैन कर सकते हैं यूज़। तो अगर हम यहाँ पे चिपसेट की बात की जाए तो वो भी तो यहाँ पे 60 FPS जुनसैन हमें देखने को मिलता है, वो भी काफ़ी बेहतरीन है। अगर गेमिंग की बात की जाए तो गेमिंग के लिए बहुत ही बेहतरीन फ़ोन है, 5000 mAh के साथ है ये। तो काफ़ी बेस्ट फ़ोन है गाइज। अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।